हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आज किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम के ऐलान के तहत दोनों तरफ से नेशनल हाईवे को बंद रखा। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कृषि कानून के विरोध में 3 घंटे का चक्का जाम रखने का ऐलान किया गया था, जिसका हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पूरा प्रभाव देखने को मिला। हरियाणा व पंजाब से आए किसानों ने शंभू बॉर्डर पर पहुंच चक्का जाम किया। 26 जनवरी की तरह उपद्रव ना हो, इसके लिए युवाओं को वॉलंटियर के तौर पर तैनात रखा, जिन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि कोई उपद्रव ना हो और जिन वाहनों को छूट दी गई है उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि वो आम जनता से माफी मांगते हैं, क्योंकि लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 घंटे की समस्या आने वाले बेहतर समय के लिए है। इस चक्का जाम के दौरान कुछ लोग फंसे भी, जिन्हें किसानों की कॉल की जानकारी नहीं थी। वही शादी के लिए जा रहे एक परिवार को किसानों ने रिक्वेस्ट पर रास्ता दे दिया, उन्हें हरियाणा की तरफ जाने की अनुमति दे दी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और उनके लंगर की व्यवस्था नजदीक लगते गुरुद्वारों की तरफ से की गई थी। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी? 12 से 3 बजे तक बंद है, एम्बुलेंस को छूट होगी और फौजी गाड़ी को छूट होगी। कोई स्कूल वाले बच्चे हैं उनको जाने दिया जाएगा, और कोई सीरियस कोई बीमार शिमार होता है उसको भी हमें जाने की छूट होगी, और एक मीडिया आएगा हमारे उनको भी आने जाने की छूट होगी। 60 आदमियों की टीम बना रखी है, वो इसको कंट्रोल करेगी। हर अगर किसी को हमारी इस चक्का जाम की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके मारने आते हैं। पूरे 12 बजे हॉर्न बजाया जाएगा और जाम शुरू हो जाएगा, और 3 बजे फिर जाम हॉर्न बजाया जाएगा और जाम खोल दिया जाएगा। सर दोनों रोड जाम करेंगे? हाँ जी, दोनों तरफ से करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता से माफ़ी मांगता हूँ, और माफ़ी इसलिए है कि 3 घंटे के लिए उनके असुविधा होगी, मैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका यह 3 घंटे का जाम इस गुंगी बैली सरकार को एक संदेश देने का माध्यम है, और हमारा किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जी तो आपको रोका नहीं गया क्या? रिक्वेस्ट की है, अदरवाइज रोक रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ जी बाबा जी, कितों लंगर आया था, कितों सेवा हो रही है बाबा जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये लंगर अंबाले तो गुरद्वारा मद्दो शाह पास नौवीं गुरद्वारा मंजी साहब अंबाला, गुरद्वारा खनौर साहब, गुरद्वारा गरीब साहब भौमखड़ी, वक्त वक्त गुरद्वार अंबाले तो लंगर बन के आया जी संगत के सहयोग न। लगभग साढ़े को 1 लाख बंद का लंगर, इतने 1 लाख बंद लंगर छक सकता। कदों तक चलेगा लंगर? ये 4 बजे तक, 3:30-4 बजे तक एस्टीमेट है लंगर का। ठीक है जी। उस तो बाद फिर रोड खोल देना, उस तो बाद फिर परले पास टोल प्लाजा जी लंगर चलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.